हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉर्टेड स्टोरीज। आज की हमारी रेसिपी है केसर बादाम शेक, जो सबको बहुत पसंद आता है। केसर बादाम शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, 10 से 15 धागे केसर, आधा कप चीनी, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, आधा कप ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है, 4 से 5 हरी इलायची और 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लावर। पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे जिसमें हम ड्राई फ्रूट, चीनी और छीलकर हरी इलायची डालेंगे और इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हम एक बाउल में कुछ दूध अलग से लेंगे, इसमें हम मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर डालेंगे, केसर डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डाल के अच्छे से मिक्स करके एक लंप फ्री मिक्सचर बनाएंगे। अब हम बचा हुआ दूध एक कढ़ाई में गरम करेंगे। उबाल आने के बाद हम इसे 15 मिनट तक और उबालेंगे, जिससे कि हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डालेंगे और इसे लगातार हिलाते हुए 10 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को एक दूसरे बाउल में डाल के ठंडा करेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज करेंगे। 5-6 घंटे बाद हमारा मिक्सचर आधा जम जाएगा। इस हाफ फ्रोजन मिक्सचर को अब हम मिक्सर जार में डाल के कुछ सेकेंड्स के लिए मिक्स करेंगे। हमारा केसर बादाम थिक शेक तैयार है। अब हम इसे एक सुंदर से ग्लास में डाल के ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। या फिर आप आधा ग्लास केसर बादाम शेक के साथ 2 बड़े स्कूप राजभोग या केसर बादाम आइसक्रीम को पपैया क्यूब्स और बादाम से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।